हेलो गाइस, वेलकम टू टीवाईजे वर्ल्ड। वन प्लस सिक्स की ऑक्सीजन ओएस 5.1.9 अपडेट आ चुकी है, जो कि 342 एमबी की है। इसमें आपको काफी चेंजेस देखने को मिलेंगे। अगर हम यहाँ चेंज लॉग आपको दिखाएं तो आप देख सकते हैं, कैमरे में आपको इम्प्रूव्ड इमेज क्वालिटी, एडेड ब्यूटी मोड फॉर सेल्फी पोर्ट्रेट और इंटीग्रेटेड गूगल लेंसेज मोड। उसके अलावा आपको काफी चेंजेस देखने को मिलेंगे सिस्टम में भी और नेटवर्क में भी। लेकिन अगर हम यहाँ कैमरे की बात करें तो कैमरे में आपको एक नया ऑप्शन मिल रहा है, वो है गूगल लेंसेज। तो गूगल लेंसेज से होता क्या है वो हम सबसे पहले जानते हैं। तो गूगल लेंसेज से आप किसी भी टेक्स्ट, प्रोडक्ट या प्लेस को आराम से सर्च कर सकते हैं। बस आपको गूगल लेंसेज मोड ऑन करना होगा और जिस प्रोडक्ट को आपको सर्च करना है उसे टैप करना होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे हम आपको दो अलग अलग प्रोडक्ट सर्च करके दिखा रहे हैं। फर्स्ट में आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे फोकस किया गूगल को, तो गूगल यहाँ पे सर्च हो गए, मतलब सिमिलर दिखने वाले गॉगल सर्च हुए, ऐसा नहीं कि बस गॉगल सर्च हो गए। उसके बाद जब हमने यहाँ पे निकॉन के बैग को फोकस किया तो इसने निकॉन के टैग को रीड कर लिया और निकॉन की इन्फॉर्मेशन निकाल ली। यानी कुछ इस तरह से ये वर्क करता है। आप इसे ट्राई करके देख सकते हैं, काफी कूल फीचर होता है ये। इसके अलावा अगर हम यहाँ बात करें और क्या चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, तो जब आप पहले फ्रंट कैमरे से इमेजेस कैप्चर कर रहे थे तो नॉर्मल मोड में आपको ब्यूटी मोड का ऑप्शन मिल रहा था, लेकिन आप उसकी वैल्यू डिसाइड नहीं कर पाते थे, यानी कि ब्यूटी मोड ऑन होगा या ऑफ होगा। लेकिन अपडेट के बाद आपको नॉर्मल मोड में ब्यूटी का तो ऑप्शन मिल रहा है, लेकिन आप उसकी वैल्यू सेट कर सकते हैं कि आपको कितनी स्किन सॉफ्ट रखनी, यानी किस तरह से ये इमेजेस कैप्चर करनी है। उसके बाद जब हम पोर्ट्रेट मोड में पहले इमेजेस कैप्चर कर रहे थे फ्रंट कैमरे से, तो आपको ब्यूटी प्लस का ऑप्शन नहीं मिल रहा था। यानी कि जैसे ही आप पोर्ट्रेट मोड में फ्रंट कैमरे से इमेजेस कैप्चर करते थे पहले, तो ये शार्प इमेजेस कैप्चर करता था, लेकिन अपडेट के बाद आपको ब्यूटी का ऑप्शन मिलने लगा है और आप उसकी वैल्यू भी डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितना ब्यूटी मोड रखना है इमेजेस में। इसके अलावा अगर हम यहाँ आपको रेयर कैमरे की पोर्ट्रेट मोड की बात करें, तो रेयर कैमरे की पोर्ट्रेट मोड में कोई मेजर चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। यानी कि यहाँ पे भी आपको ब्यूटी मोड मिल रहा है जो पहले मिलता था, लेकिन ये ऑन और ऑफ ही होता है, इसकी वैल्यू आप सेट नहीं कर सकते। तो कुछ इस तरह के चेंजेस आपको कैमरे में देखने को मिलेंगे। अब इमेजेस ये कैसी कैप्चर कर रहा है वो हम आपको बताते हैं। तो आप देख सकते हैं ये फ्रंट कैमरे की इमेजेस हैं जिसमें नॉर्मल है, यानी कि तीनों ही इमेजेस पोर्ट्रेट मोड में हैं, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट इमेज में ब्यूटी मोड ऑफ था, उसके बाद सेकंड इमेज में ब्यूटी मोड ऑन करके मीडियम वैल्यू पे हमने ये कैप्चर करी, उसके बाद फुल ब्यूटी मोड में कैप्चर करी। तो आप स्किन टोन में जो चेंजेस आए हैं वो देख सकते हैं, कुछ इस तरह की ये इमेजेस कैप्चर कर रहा है। इसके अलावा अगर हम यहाँ पोर्ट्रेट मोड की इमेज की बात करें, तो आप देख सकते हैं पोर्ट्रेट मोड में आपको दो ऑप्शन मिल रहे हैं, ब्यूटी मोड ऑफ या ब्यूटी मोड ऑन। तो ब्यूटी मोड ऑफ करके जब हम इमेज कैप्चर कर रहे हैं और ब्यूटी मोड ऑन करके, तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा स्किन में। इसके अलावा हमें ऐसा लगा था कि वन प्लस सिक्स में काफी बार ऐसा होता है जब आप पोर्ट्रेट मोड या नॉर्मल मोड में इमेजेस कैप्चर करते हैं तो ये ऑब्जेक्ट की उतनी डिटेल कैप्चर नहीं कर पाता, यानी कि ऑब्जेक्ट को कुछ ब्लर कर देता है। तो हमें लगा था इस अपडेट के बाद ये इशू रिजॉल्व होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पोर्ट्रेट मोड में आपको कोई मेजर चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे रेयर कैमरे के। फ्रंट कैमरे में तो चेंजेस देखने को मिल रहे, लेकिन रेयर कैमरे में कोई मेजर चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, ना ही कलर रिप्रोडक्शन एल्गोरिदम में कोई चेंज हुआ है। आप देख सकते हैं हमने यहाँ काफी इमेजेस कैप्चर करी और हमें कोई मेजर चेंजेस देखने को नहीं मिले रेयर कैमरे में। इसके अलावा भी आपको वाईफाई कनेक्टिविटी में चेंजेस देखने को मिलेगा और साथ में ब्लूटूथ कनेक्शन, जो कि कार से आप जब कनेक्ट करते थे तो स्टेबिलिटी नहीं मिलती थी, वो अब मिलने लगेगी। यानी कि यहाँ जो कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है वो आपको साफ साफ दिखाई देगा अदर प्रोसेस में। कैमरे में कुछ इसी तरह का चेंजेस देखने को मिलेगा। तो अपडेट के बाद वन प्लस एक्स में आपको काफी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलते जा रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग टीवाईजे वर्ल्ड।